श्रद्धालुओं को पानी के लगाए मुकेश यादव ने टैंकर, शनिदेव की जात में उमड़ा हुजूम। बीएसपी नेता और जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव ने पानी के लगाए जगह जगह जलेसर के चौराहों पर प्याऊ टैंकर खड़ा कर पानी के प्याऊ लगाए। आपको बता दें, जलेसर नगर में दरगाह की शनि जात को लेकर अषाढ़ के तीसरे शनिवार को लाखों की संख्या में प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से आए दिन 2000 की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। भीषण गर्मी में शहर में पानी का कोई इंतजाम न होने से बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता मुकेश यादव ने जलेसर के चौराहों पर पानी के टैंकर खड़े कर दिए। शीतल जल पीकर श्रद्धालुओं को चैन पड़ा। इस पानी के प्याऊ लगाने की मुकेश यादव की जनपद में खूब चर्चा हो रही है। इस दौरान अवनीश यादव, राजू यादव ने सभी को भीषण गर्मी में पानी पिलाया। राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। टैंकर ये शीतल जल का इसलिए खड़ा किया है कि इससे अगले शनिवार को हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं भारी संख्या में, तो श्रद्धालुओं को पानी की परेशानी महसूस न हो, इसलिए शीतल जल हमने जलेसर चौराहे पर लगवाया है। क्योंकि 2 दिन से भारी संख्या में श्रद्धालु रुके हुए हैं, तो भाई हमारा भी फर्ज बनता है कि बाहर से लोग आए हुए तमाम श्रद्धालु, तो उनको शीतल जल की जरूरत पूरी करनी जरूरी हमारा धर्म है, इसलिए शीतल जल की व्यवस्था की। दरगाह में शनिदेव और हनुमान जी निकले हैं, क्या पूजा अर्चना उनकी भी शुरू हो गई है? हाँ, सभी हमारे जो देव हनुमान हैं, शनिदेव जी हैं और जो जात होती है सभी की श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं, वो करनी भी चाहिए। जो लोग बाहर से आते हैं वो सबकी पूजा ही करनी चाहते हैं। करीब कितनी भीड़ आज जुट गई होगी? आज तो कम से कम लाखों की संख्या में 1-2 घंटे तो जलेसर में जाम रहा है, चौराहे पर तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ लगा रहा है, यहाँ से वहाँ तक प्रयास छोड़ से। जैसे आज हमने देखा आगरा चौराहे पर आपने टैंकर खड़ा किया पानी का, ये प्रतिदिन खड़ा किया जाया करेगा या हर शनिवार को? शनिवार तो अब एक ही बचा है, लेकिन जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी शीतल जल की तो वहाँ तैयार मिलेगा टैंकर। आप तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आपको तो ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटगन न्यूज को जरूर देखें, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।